नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है ये अपने ही YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने सोचा कि मेरा पैसा जस्ट मैंने इन्वेस्ट किया और कुछ ही महीनों में 1000% से बढ़ जाए, तो दोस्तों एक मिराकल से कम नहीं हो सकता ये आपके लिए। मगर दोस्तों, मार्केट में एक शेयर ऐसा है जिसने कुछ ही महीनों में 1000% के रिटर्न दिए है। तो दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे किस तरह इसने रिटर्न दिया और कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, क्या इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना सही बात हो सकती है। कि दोस्तों, चलिए इस पर पूरी बात करते हैं, जानते हैं इसके बारे में आने वाले दिनों में क्या इसमें रुझान रह सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पे देख रहे बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रहा है किस तरह से इसमें रैली बनी और रैली क्या बनते चली गई। तो दोस्तों ये देख सकते हैं रैली किस तरह से बनी और कितना इसने पोटेंशियल भरा पड़ा था, इसने आपको खुद को ही रोक रखा था। मगर दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे इसके कुछ 2013 के प्राइस वैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों, 2013 का जो प्राइस वैल्यूएशन है उसके बारे में अगर आप बात सोचोगे तो शायद सोच में ही पड़ जाओगे कि इतना छोटा प्राइस वैल्यूएशन होने के बाद भी ये शेयर इतने तेज़ आगे बढ़ा कैसे। तो दोस्तों, इसका प्राइस वैल्यूएशन देखने के बाद ही आप थोड़ा चौंक जाएंगे, क्योंकि इसने लगभग 2.5 रुपये की वैल्यूएशन को भी टच किया था 2013 अप्रैल में। ये देखिए दोस्तों, ये रहा 2013 अप्रैल में इसने कहाँ टच किया था दोस्तों, लगभग 2.5 रुपये की वैल्यूएशन को टच किया था। 2.5 रुपये से दोस्तों इसने जो लेवल्स बनाई है एक काबिले तारीफ है दोस्तों। मगर ये जो शेयर इतना तेज़ी बना के चढ़ा है, तो दोस्तों कौन से सेक्टर से बिलोंग करता होगा, तो डेफिनेटली आपको भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिस सेक्टर में पैसा लगा रहे हो, वो सेक्टर कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना स्ट्रांग है, इस सेक्टर के बारे में आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 2.5 रुपये से 729 रुपीज़ तक उसने क्या किया दोस्तों, आज की रैली दिखाई। तो दोस्तों, उसका जो हाई की बात करेंगे, हाई की बात तो आपको पता ही चली, तो इसने 904 रुपये का हाई मारा हुआ है, 1000% के ऊपर इसने गेन दिया हुआ है। और अभी थोड़ा मार्केट थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो जो कि आज का ट्रेड है दोस्तों 730.85 रुपये पर। दोस्तों, आज भी मार्केट अपर सर्किट पे ही ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसमें बाइंग या फिर सेलिंग करने के सोच रहे थे दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे आपको। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए होते प्लीज चैनल को दोस्तों, शेयर का नाम है तनला प्लेटफॉर्म। तनला प्लेटफॉर्म दोस्तों कई गुना बढ़ चुका है ऑलरेडी, जिसके कारण हमें यहाँ से अभी ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर में लगता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, इसकी थोड़ी फंडामेंटल बातें भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फंडामेंटल बातें, जो कैपिटल की बात की जाती है दोस्तों, मेजेस्को से कई बड़ी इसकी कैपिटलाइजेशन हमें दिख रही है, 9928.62 करोड़ का। मतलब दोस्तों, 9000 के ऊपर का इसका कैपिटलाइजेशन है, 10000 के आसपास का कैपिटलाइजेशन है। और बात करें इसकी प्राइस वैल्यूएशन की, अभी भी प्राइस वैल्यूएशन 729.85 पैसे का है, तो थोड़ा ओवरऑल जोन में चला गया है। तो दोस्तों, अगर आपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट की होती है दोस्तों, ये आपको लगभग अभी इसके जो रिटर्न्स की बात की जाती है दोस्तों, 2013 में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की होती 2.5 रुपये के ऊपर आपने, तो लगभग 36,160% की गेन आपको मिल चुके होते अभी तक। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कुछ ही महीनों में, तो जो आपको 1000% की गेन मिल चुकी है, अगर आप 2013 में या 7 सालों के पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किए होते दोस्तों, डेफिनेटली आपका पैसा कई गुना, जिसके कारण आपको एक शेयर मार्केट के ऊपर जो ट्रस्ट है दोस्तों, जो विश्वास है, वो पूरा फुलफिल हो गया होता। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में शेयर फाइंड करना या फिर उसको सर्च करना, इसके लिए आपको स्टडी की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आके आप पूछ सकते हैं, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, क्या इसकी फंडामेंटल बातें हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसका जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है 725 का है, और आज का जो हाई रहा दोस्तों 729.85 पैसे का। मतलब दोस्तों, आज लगा है अपर सर्किट 5% का, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट में हाई वोलेटिलिटी बनी है, मगर तनला प्लेटफॉर्म एक जो अपनी रॉकिंग स्टार दिखा रहा है सबका, और कह रहा है कि मेरे पास आके इन्वेस्टमेंट करो। और रही इस साल की 52 वीक्स की बात दोस्तों, उसका रहा 52 वीक्स का 37.10% का। मतलब 37 रुपये का इसका लो था दोस्तों, लगभग कोविड-19 के समय में 37 रुपये का ये लो था, उसके बाद 904 रुपये की इसने रैली दिखाई थी दोस्तों, बड़ी काबिल तारीफ है। इसकी EPS की बात करें और PE की बात करें, तो यहाँ पे EPS और PE यहाँ पे ज़्यादा दिख तो नहीं रहा, मगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू लगभग यहाँ पे 49.11 रुपीज़ का है, जो कि दोस्तों अभी ओवर वैल्यू जोन में चला गया है तनला प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने कहा कि। और रही यहाँ पे डिलीवर्स की बात, लगभग अभी भी 66.57 का यहाँ पे परसेंटेज में डिलीवर बेस देखने मिल रहा है। तो ये शेयर ऐसा है कि अभी भी एक डिलीवर बेस बना
चुका है। बेटा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 0147 एक अच्छा बेटा लेवल दिख रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है दोस्तों, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो एक रिलायबिलिटी दिख सकती है, जिसके कारण आप इशू विश्वास ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ यहाँ पे 11 है। वीकनेस एक ही है, रेड फ्लैग अभी तक नहीं दिखाई, पी हाई हो चुका है थोड़ा सा, जो कॉन्सोलिडेटेड लेवल का है। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी 5 है। और थ्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेन का थ्रेड्स कितना है दोस्तों, 2 है, क्यों? यहाँ पे पी जो कॉन्सोलिडेटेड लेवल है वो बढ़ चुका है। बुलिश रैली है यहाँ पे अभी भी दिख रही है, आने वाले समय में आपको और ज़्यादा दिख सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कितना यहाँ पे आपको हर चीज़ में ग्रोथ दिख रहा है, हर साल में ग्रोथ दिख रहा है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 935.25% का यहाँ पे आपको गेन दिख रहा है, मतलब लगभग 950% की। और 904 रुपये के हिसाब से बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1000% का गेन आराम से दिखाई दिया होता। तो 21.54 वन वीक में दिया है, 19 वन मंथ में, और 3 मंथ में 153 दोस्तों। जहाँ कि हम 10 या 20% का गेन के बारे में सोचते हैं, 30% के बारे में सोचते हैं पूरे साल में, यहाँ पे तो आपको कितना मिल रहा है दोस्तों, 135, 153, 160 ऐसे गेन वाले शेयर में आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। आपको बता रहा हूँ कि मार्केट की पावर क्या है, किस तरह मार्केट यहाँ से प्रॉफिट कमा के दे सकता है आपको। तो दोस्तों 6 महीने में 935.25% का यहाँ पे रिटर्न है, और 2 साल की बात करें तो दोस्तों 2,265, और 1 साल की बात करें तो 3 साल की बात करें दोस्तों 1,711% यहाँ पे रिटर्न्स मिला। और दोस्तों जैसे 2013 में इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता था दोस्तों, डेफिनेटली आपका पैसा हज़ारों गुना बढ़ गया रहता, हज़ारों गुना मतलब दोस्तों 36,160% तक ये पैसा आपका बढ़ गया रहता दोस्तों। टेंडला नाम है कंपनी में, टेंडला प्लेटफॉर्म कंपनी आईडी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी थोड़ा सा टटोलेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए दोस्तों, 39.55% शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, देखिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 39.55% की यहाँ पे उनकी क्या है दोस्तों, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, कि जो एक अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, इसमें एक अजीब गरीब बात आपको दिखाई देगी कि इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी दोस्तों, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 अभी 39.55% पे आएगी आ गई है। मार्च 2020 में दोस्तों इसके पास 32% थी, और अप्रैल 2020 में इनके पास 35% थी, और जून में भी उतनी ही थी, मगर जुलाई मंथ में इन्होंने अपनी जो होल्डिंग थी दोस्तों बढ़ा दी है। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें होगी आपके साथ में, जिसके कारण इसमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिल सकती है। FPI ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 0.07% की इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। BIS की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 20.025% की यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब यहाँ पर उन्होंने अपना पैटर्न में होल्डिंग किए हुए है। और बात करेंगे थोड़ी आगे की, यहाँ पे टोटल म्यूचुअल फंड तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, और DIS की बात करें अदर वाले, तो यहाँ पे DIS अदर वाले भी है, मगर जो सबसे बड़ी बात है रिटेल इन्वेस्टर का पार्ट आता है दोस्तों, सबसे बड़ा पार्ट रिटेल इन्वेस्टर का है यहाँ पे भी होल्डिंग में दिख रहा है। तो 40.14% की यहाँ पे उनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों थोड़ा फाइनेंशियल के बारे में भी जानेंगे, फाइनेंशियली क्यों कंपनी इतनी स्ट्रांग दिख रही है हमें, जिसके कारण ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हुए दिख रही है। देखिए यहाँ पे इनका जो सेल्स है दोस्तों, हर चीज़ में बढ़ा हुआ दिख रहा है, मगर सबसे ज़रूरी बात है कि इनका जो सेल्स तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, मगर अदर जो इनकम है वो घटी है। और टोटल इनकम की बात करें तो वो टोटल इनकम भी बढ़ी हुई है, एक्सपेंडिचर की बात करें अगर इनकम बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, EBITDA भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ चुका है, एक अच्छी सी बात है। इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी मुझे अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा तो दोस्तों कंपनी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आपको, अगर आपने इस कंपनी में 10,000 भी लगाए होते दोस्तों, तो कितना आपको मिला होता पैसा दोस्तों, कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे। अगर आपने इसमें 10,000 लगाए होते 2013 में, तो देखिए 2.5 रुपये के हिसाब से तो कितना हो गया रहता दोस्तों, 4,000 शेयर्स आपको मिल गए होते। 4,000 शेयर्स के बाद दोस्तों इसका 904 रुपीज़ का अगर हाई की बात की जाए तो दोस्तों, तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये रहा, तो लगभग दोस्तों 36,16,000 का आपको प्रॉफिट 7 साल में मिल गया होता दोस्तों। 10,000 की इन्वेस्टमेंट 36 लाख एक बड़ी अमाउंट आपके पाले में आ जाती है, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाते दोस्तों। ऐसे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनिए, आपका ढेर सारा प्रॉफिट बनता चलेगा दोस्तों। अभी तो ओवरबॉट जोन में चल रहा है मार्केट, तो थोड़ा सा सेमी है, थोड़ा सा मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, करेक्शन देगा आपको, लगभग 500 के पास आके आने के बाद आपको देगा चांस,
तो उसको मौका चूकना नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि 10 या 20% की जो गेन होती है कंपनी में वो हमेशा ही मिलती रहती है। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इससे आगे कुछ और चीज़ हो सकती है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप सोच सकते हैं, और आपको इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है इसमें। तो दोस्तों देखिए 36,000 4 10,000 का 36,000 बन सकता है मार्केट में, तो आप लाखों डालते हैं तो लाखों का कई गुना अमाउंट बन सकता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 1 लाख की अगर आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए हो तो 40,000 शेयर आपको मिल गए होते, और 40,000 गुणीला हम 904 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 36 करोड़ 3 करोड़ 61 लाख 60,000 की एक अमाउंट आपको मिल गई रहती है। दोस्तों यहाँ पे बैठे बैठाए आपको विथ इंटरेस्ट के हिसाब से बात की जाए तो दोस्तों इतना अमाउंट नहीं मिलता था, मगर जितना अमाउंट इस शेयर ने आपको रिटर्न में दिया है। तो दोस्तों ऐसे शेयर आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके इन्वेस्टमेंट में या फिर आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों यह शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।